काफ़ी टाइम हो गया इस मूवी को आए हुए, और मैंने जब ये मूवी आई थी तभी इस मूवी को मैंने देख लिया था। रीज़न ये था कि इस मूवी का रिव्यू ना करने का, क्योंकि गवर्नमेंट जब मैं जिस जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग लगा रखी थी, और ट्रेनिंग के दौरान मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट सब कुछ लिख लिया था, भैया इसके बारे में क्या बोलना है, अब जैसे ही वो ट्रेनिंग ख़त्म होती है, अपने घर आता हूँ, अब थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ, तब मुझे लगा कि यार ये जो वीडियो मूवीज़ देख रखी हैं, कम से कम इन मूवीज़ की वीडियो तो बना दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार चैनल पे कोई वीडियोस नहीं गई। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ब्लैक एडम मूवी के बारे में। ऑब्वियसली आप लोगों ने जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं, कुछ तो इस मूवी को देख भी चुके होंगे, और मेरे व्यूज तो वैसे भी बहुत कम आते हैं, तो मतलब कुछ ही क्यों होंगे, एक तो जिन्होंने मूवी नहीं देखी होगी, खैर उनके लिए समझ लो ये वीडियो। तो ब्लैक एडम मूवी जो, मतलब जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और इस मूवी को मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मतलब जिस दिन ये मूवी आई थी, जो शाम का शो था, मैंने उस दिन ही इस मूवी को देख लिया था। अब इतना वेला नहीं हुई यार सुबह जाके इस मूवी को मैं देख पाता, मतलब शाम को आराम से अपने दोस्तों, मतलब अपने कलीग के साथ गया और मूवी को देख कर आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा ये मूवी पसंद आई थी। मतलब ब्लैक एडम जब आप ये मूवी स्टार्ट होती है ना, फिर एक जैसे ट्रेलर इसका देखते हैं, तो ट्रेलर में हमें लगता है यार ब्लैक एडम एक्चुअल में विलन है या हीरो है, एक जो डाउट हमारे मन में आता है, मेरे मन में तो डेफिनेटली डाउट आया था कि यार ब्लैक एडम हीरो है या विलन है। यार जब आप मूवी देखोगे तब आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्या स्टोरी की अगर चर्चा करें तो 5000 साल पहले ब्लैक एडम को पावर दी गई थी, उसके पीछे रीजन दिखाया गया जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। अब कुछ ऐसा होता है कि वो सो जाता है, उसको सुला दिया जाता है या वो सो जाता है, कुछ ऐसी घटना वहां पर होती हैं। अब 5000 साल बाद उसको ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको जगाना पड़ता है और वो जागता है। अब ब्लैक एडम का अपना ही एक हिसाब है, मतलब कि कोई गलत है कोई सही है, वो बीच का रास्ता नहीं अपनाता, या तो गलत है या सही है, और उसको सजा देने का उसका अपना ही अलग फंड है, जो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, देखने में मज़ा आता है। और ब्लैक एडम के साथ साथ कुछ ऐसी पुरानी पावर्स भी वहाँ पर सामने आती हैं जिनको मतलब कुछ लोग पाना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो उन पावर्स को पाकर दुनिया का तो भला नहीं करना चाहते, वो दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हैं, और कुछ लोग उन लोगों को रोकना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में ये बात है कि कुछ पावर्स हैं जिनको लोग पाना चाहते हैं, जिससे वो दुनिया पर अपना कब्जा कर सकें, बर्बाद कर सकें, और कुछ लोग उनको बस रोकना चाहते हैं। वो ज़्यादातर मूवीज में ऐसी स्टोरी हमें देखने को मिलती है, बस पावर का ढंग बदल जाता है। सेम ऐसी बातें इसके अंदर हमें देखने को मिल रही हैं। देखो मूवी की स्टोरी जितनी हो सकती थी सिंपल मैंने समझाने की कोशिश की, ताकि आप लोगों को कुछ भी मतलब इसमें स्पॉइलर ना मिले। देखने वाली बात ये होती है मूवी में कि ये जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों को कैसे रोकते हैं। ब्लैक एडम की स्टोरी जब आपके सामने आती है, उसकी पास्ट की लाइफ भी हमें थोड़ी बहुत ट्रेलर में दिखाई जाती है, तो वो सब चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस मूवी के सामने बनता है, बहुत सारे सस्पेंस हमारे सामने आते हैं। देखो मूवी की जो लेंथ है वो 2 घंटे के आसपास है, और यकीन मानो जब आप मूवी को देखने बैठोगे और इसकी एंडिंग तक एक भी पल आप मिस नहीं करना चाहोगे। इसके VFX बहुत कमाल के, इसका फाइटिंग सीन आप देखिए इतना बढ़िया गया, कलर ग्रेडिंग देखिए यार इतना अच्छा लगेगा वो सब चीज़ें देखकर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा। मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप 3D में आप मूवी देख रहे हो, ओ भाई साहब, मतलब अलग ही लेवल होता है वहाँ पर। मतलब एक तो ऑडियंस होती है थिएटर्स में इतने सारे, जो हो अल्लाह होता है, तो अलग ही क्रेज आता है सबके सामने। अब यहाँ पर मूवी में जब आप देखना इसका स्टार्ट करेंगे, जितनी मैंने आपको स्टोरी बताई है उतनी ही नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है स्टोरी के अंदर। मतलब आपको मैंने तो कुछ बताया ही नहीं है, ऐसा समझ लो सस्पेंस है इस मूवी के अंदर। कैसे सस्पेंस है, ब्लैक एडम को लेकर है, स्टोरी को लेकर है, मतलब कुछ चीज़ें इसमें पलटती हैं, ट्विस्ट आते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। मूवी को देखने के बाद जब मैं IMDB के ऊपर इसके रिव्यू को जब चेक कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने इस मूवी की स्टोरी को लेकर, इस मूवी को लेकर एक बहुत एवरेज सा रिव्यू दे रखा था, उनको इतनी स्टोरी खास पसंद नहीं आ रही थी। तो देखो यार मेरा अलग हिसाब होता है, ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना एक नज़रिया होता है किसी मूवी को देखने का, किसी चीज़ को परखने का। अब वो कहते हैं ना 5 उंगलियाँ सेम नहीं होती हैं, अगर सेम होती तो दुनिया में इंटरेस्टिंग कहाँ होता। तो मेरे हिसाब से तो देखो मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए था, वो मुझे इस मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे मिला। मतलब कहीं कहीं जगह पर
इसमें डायलॉग जो है वो कॉमेडी के तौर पर रखे गए हैं, वो इतने परफेक्ट रखे गए हैं ना, मतलब आपको हंसी आती है और आप वो सीन देखते हैं यार इसको एक बार वापस से हमें दिखा दो, ऐसा मन करेगा। और मुझे वो ऐसे सीन लगे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय मैंने उस वक्त उस सीन को, चाहे वो फाइटिंग हो चाहे वो कॉमेडी हो, इस मूवी को मैंने बहुत इन्जॉय किया। मतलब शुरू से लेकर आखिर तक मैंने कोई भी पल ऐसा नहीं हुआ जिसको मैंने मतलब इन्जॉय ना किया, इतना बढ़िया। मतलब यार वो मैं कहना तो चाहता हूँ लेकिन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं, मतलब इंटरेस्ट ख़राब नहीं करना चाहता आप लोगों का। क्या आप जब मूवी देखोगे तभी समझ जाओगे। अब इसकी मूवी की जब एंडिंग में जब वो विलन हमारे सामने आता है, उसकी यार जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे उसका गेटअप होता है वो बहुत धमाकेदार है। फिर फाइटिंग होती है ब्लैक एडम के साथ, ओहो मतलब दिल गार्डन गार्डन होता है, झक्कास फाइट होती है, बहुत ज़बरदस्त है। और एक जब होता है ना मूवी ख़त्म हो जाती है, मूवी ख़त्म होने के बाद आपको पोस्ट सीन ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि भी आ सकती है इसके ऊपर ऐसी कोई मूवी, वो देखेंगे ना तो आपके गूज बम आ जाएंगे। मतलब हो हल्ला हो गया था उस वक्त थिएटर्स में जब वो लास्ट का सीन जब देख रहा था मैं, या मतलब लास्ट का सीन नहीं, जब एंड नंबर आते हैं, नंबरिंग दिखाते हैं, क्रेडिट दिखाते हैं, क्रेडिट के बाद जब वो सीन आता है, बहुत बहुत ज़बरदस्त यार वास्तव में। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को मूवी रिकमेंडेड करना चाहूँगा। हिंदी डब में मैंने इस मूवी को देखा है, हिंदी डब के देखने का ही मेरे पास रुपए थे, इतने फालतू रुपए तो मेरे पास नहीं होते कि यार मैं इस मूवी को इंग्लिश में भी देख रहा हूँ। हिंदी डब देखी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, वॉयलेंस बहुत है मूवी के अंदर, मतलब इतना चीरफाड़ तो दिखाया गया है, दिखाया गया, डेफिनेटली दिखाया गया। तो मैं तो डेफिनेटली आप लोगों को मूवी रिकमेंडेड करना चाहूंगा। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो जाकर देखो अगर आपके नज़दीकी थिएटर्स में लगी हुई है, वरना वेट करो कि OTT प्लेटफॉर्म पर अगर ये आ जाती है, जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थिएटर्स में आपको मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।